गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद ईशान। सो राइट नाउ आई एम हियर एट माय बालकनी। आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, और आपको भी पूरा का पूरा होम टूर आपको एंजॉय करवाता हूँ। और अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे घर की छोटी सी जिम, यहाँ पर मेरा भाई बैठा हुआ है। यहाँ पे हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, मेरे पापा कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे भाई का भी एक चैनल है जिसका नाम है रेहान रॉक। सो मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी आपको हम आपको दिखाते हैं हमारा लॉबी, ऊपर का ही छत का। थोड़ा सा झूमर लगाएंगे यहाँ पर, जो कि अलग से होते हैं, जो इलेक्ट्रिक होते हैं, जो पूरा रोटेट भी करते हैं ऊपर से। सो अभी वो भी लगाएंगे। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ अपना डाइनिंग टेबल, थोड़ा सा मैसी है, इसकी तरफ मत ही ध्यान देना ज़्यादा से, पर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे और ऐसा सिंपल लगा रखा है कि ये वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं उनको काट के पीसेस करके लगा रहे हैं। सो ये बाकी जो है झूला यहाँ पर, यहाँ पर कभी कभार पड़ लेता हूँ। तो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से बाहर देखोगे ये व्यू है पूरा का पूरा। सो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में, जो कि कुछ यहाँ पे हमारा मंदिर वगैरह है रखा हुआ हमने यहाँ पे। ये है मेरी फोटो और ये मैंने लिखा है यहाँ पे नो शूज अलाउड हियर, बट भाई जान अलाउड है सारा कुछ, ठीक है। ये गाइस मैंने एक फोटो स्टेट निकाला था, ऐसा सिंपल, मतलब मेरे को शौक था कि अच्छी अच्छी चीज़ें निकालूंगा मैं, मतलब फोटो स्टेट टाइप ऐसे आए ना ऑर्डर का। ये है मेरा मेरा क्यूजिन करके, ये मैंने बी वेयर डोंट टच माय टूल्स करके लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल से काइंड ऑफ थीम निकाली है। ये शेन जगह, ये पहला मेरा एक यूट्यूब चैनल था गाइस, और जो कि अभी मैंने खुद ही डिलीट किया है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं अच्छा कुछ शो करने वाला, कि ये है वो है, बेकार था, मेरे को मज़ा नहीं आया। इसलिए मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, जिसका नाम है हरीश मनाज, उसके चैनल का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसने मेरे को बताया था कि ईशान ऐसे ऐसे है कि तू स्टार्ट कर एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर अपना। सो मैं ओके, मैं चल ठीक है भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। सो उसके कहने पे किया, अब देखते हैं ये भी आगे कितना ग्रो करता है या कितना नहीं करता, देखेंगे, और होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। और ये एक मैंने लिखा था प्रो प्लेयर्स, ये मैंने खुद बनाया है ना रिहू, ये मेरे भाई ने और मैंने खुद ब्रेक करके लकड़ी वगैरह और ऑल दैट। ये है गाइस, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा एक प्रॉपर थीम्ड सेटअप फॉर माय एडिटिंग रूम, दिस कॉल्ड एज माय एडिटिंग रूम। यहाँ पे मेरा एक लैपी पड़ा है, यहाँ पे मेरा एक पीसी है जहाँ पे मैं बैठ के आराम से एडिटिंग करता हूँ। ये आरजीबी लाइट्स तो नहीं है गाइस मैंने, पर ट्राई किया है इसको एक उस तरह से एक लुक देने का। सो ये काइंड ऑफ दिवाली लाइट्स हैं जो कि मैंने टेबल के नीचे सिंपल सेटअप की हुई है। और ये है मेरा गिटार, जिसमें मैं इन फ्यूचर गाइस ट्राई करूंगा कि एक अच्छी सी वीडियो जो है मेरी आ जाए। सो फ्यूचर तो क्या, अभी थोड़े दिन में ट्राई करूंगा निकालने की एक अच्छी सी प्रॉपर सी वीडियो गाने की, कि अभी जो है वो तो सब कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको लेके चलते हैं फटाफट से ऊपर और वहां का आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का, इतना अच्छा व्यू है ना गाइस, ये देखो ये है, हम लोग गाइस ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गाइस व्यू आ रहा है पूरा का पूरा पीछे को। ये जो है आप देख सकते हैं, शायद आपका नजर पड़े वहां तक, यहाँ पता नहीं मेरे को, ये डैम है, छोटी सी डैम है यहाँ पे। इसका जो गाइस मेन रोल है इस डैम का, कि ये जो है जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी पानी की हेल्प से। सो ये उस तरह से डैम एक बनाई हुई है, और कभी मैं आपको इस इसके डैम का जो पार है, एक ट्रैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है फॉर रनिंग एक्सरसाइज एंड ऑल दैट स्टफ। ये एक ट्रैक बना रखा है वहाँ से,
सो वहाँ पे भी मैं कभी कभी ट्राई करूंगा कि आपको लेके जाऊँ। इतना प्यारा, मतलब रात को स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक वहाँ पे बंदे भी आते हैं सैर करने के लिए, तो मैं आपको लेके जाऊंगा कभी ना कभी। सो ये जो है ये पीछे का गाइस व्यू है, आप देख सकते हैं पीछे का पूरा घर है, बहुत अच्छे अच्छे। पहले तो यहाँ पे बिल्कुल खेत ही टाइप थे, मतलब अबंडेंट टाइप लगा लो किस तरह का था ये किसी टाइम पे ये जगह। सो अभी और प्लॉट्स वगैरह बिके हैं, खरीदे हैं, बना रहे हैं बंदे अपना और भी अच्छा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल द वीडियोज ऑफ माइन। बाय बाय। कठुआ बोला ने, कठुआ बोला ने। अच्छा रितु को गल करवाई सकते तुस? वो तुहाडा बेटा, तुहाडा पुत्र रितु? तुहाडे पुत्र दा नाम रितु है ना? रितु तुस गल कराई सकने उंदे नाल? बाहर गए थे उन्होंने, मैं बोलिया ही थोड़ी देर पहला कि आइए दे घर। रितु जी जरूरी गल करनी है आंटी जी, मैं उन्दे उन्दे नाल ना जरूरी जरूरी गल करनी है आंटी जी, मैं उन्दे नाल ना। जी जी पापा जी, पापा जी कराओ मम्मी से बात।